कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। नोएडा में नौकरी करने वाले सतीश लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सारे दोस्त साथ मिलकर खाना खा रहे थे, तभी सतीश उनसे कहते हैं कि सुनो, खाने की पेमेंट इस बार मैं करूंगा। तो दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि नेकी और पूछ पूछ। सतीश पेमेंट करने के लिए अपनी UPI ऐप से QR कोड स्कैन करते हैं, लेकिन पेमेंट फेल दिखाता है। सतीश को लगा कि इंटरनेट प्रॉब्लम होगी, तो रेस्टोरेंट का वाईफाई लेकर वो फिर से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर ऐप पर दिखाता है कि खाते में पैसे ना होने की वजह से उनकी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पा रही है। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी 30,000 रुपये सैलरी आई थी और बैलेंस में अभी भी 25,000 रुपये तो थे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी जल्दी सारे पैसे खत्म हो जाएं। तो वो बैंक की ऐप पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहां पर वाकई में उनका खाता खाली दिखता है। ये देखकर सतीश के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके 25,000 रुपये कैसे गायब हो गए। ये बात वो अपने दोस्तों को बताते हैं और सभी मिलकर पास वाले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाते हैं। वहां जाकर उन्हें अपनी जान पहचान का एक पुलिस वाला मिल जाता है। सतीश को हक्का बक्का देखकर पुलिस उनसे पूछती है कि आप तसल्ली से बताएं कि पूरा मामला क्या है। सतीश पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और पूरा मामला सुनकर पुलिस सतीश से कहती है कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। दरअसल कुछ समय से सतीश के UPI ऐप में कुछ दिक्कतें आ रही थीं। उन्होंने इसकी शिकायत ऑनलाइन की और बाद में कस्टमर केयर की ओर से उन्हें फोन आया। फोन पर सतीश से कहा जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ देर के लिए उनकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पेमेंट करने के लिए उन्हें ये वेरीफाई करना होगा कि वो ही वास्तविक यूजर हैं जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए उन्हें एक ऐप का लिंक भेजा जाता है, जिसे डाउनलोड करके वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सेवा बंद होने के डर से सतीश सोचते हैं कि चलो ऑफिस में बैठे बैठे यही काम कर देता हूं। तो सतीश वो ऐप डाउनलोड करके सभी जरूरी डिटेल्स भर देते हैं। इसके बाद कस्टमर केयर का फिर से फोन आता है और वो कहते हैं कि धन्यवाद सर, वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब आप फिर से अपनी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जिस कस्टमर केयर का फोन आया था वो एक ठग था और वेरिफिकेशन के नाम पर सतीश से एक ऐसी ऐप डाउनलोड कराई गई जिससे उनका बैंक खाता ठग की डिवाइस से लिंक हो गया। इसी के जरिए ठग ने उनके खाते से सारे पैसे उड़ा दिए। इस तरह का स्कैम आजकल काफी चलन में है। ICICI बैंक ने भी एक ईमेल के जरिए इस स्कैम के बारे में अपने ग्राहकों को आगाह किया है। बैंक ने लिखा है कि साइबर ठग SMS फॉरवर्डिंग ऐप्स बनाते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए UPI डिवाइस बाइंडिंग मैसेज को ग्राहकों के बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। ठग WhatsApp के जरिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से APK फाइलों के लिंक भेजते हैं। इसके बाद ठग UPI एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे ही उनके भेजे गए लिंक पर ग्राहक क्लिक करते हैं, उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। हालांकि इससे बचने के बैंक ने कुछ तरीके भी बताए हैं। बैंक ने सलाह दी है कि मोबाइल डिवाइस को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट रखें। साथ ही सिर्फ गूगल प्ले या एप्पल स्टोर जैसे भरोसेमंद सोर्सेस से ही ऐप इंस्टॉल करें। यूजर को एंटीवायरस या इसी तरह का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। उन्हें ईमेल या संदेश के संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अंत में यूजर को अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सतीश की इस कहानी से आपको भी नसीहत मिली होगी। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।